नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आजमगढ़ पहुंचे थे। पार्टी कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मौजूद होकर तिरंगा यात्रा को सफल बनाया। इस दौरान मंत्री के साथ फोटो खिंचवाने के लिए काफी धक्का मुक्की भी देखने को मिली। हम पार्टी कार्यालय में माननीय परिवहन मंत्री जी के स्वागत के लिए खड़े थे। बाहर बरामदे में खड़े थे, माननीय मंत्री जी निकल रहे थे तो सारे कार्यकर्ताओं से बातचीत होते हुए अपनी बात आपसी बातचीत हो रही, तब तक किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया जिससे मेरे साथ चार पांच लोग गिर गए और मैं तो अप्रत्याशित रूप से दंग रह गया कि किसने दे दिया। बाद में आप लोगों के क्लिप के माध्यम से पता चला कि लोग बता रहे हैं कि जिलाध्यक्ष द्वारा ही दिया गया। मैं तो देखा नहीं, मुझे तो धक्का मारा गया तो मैं जान नहीं पाया कौन मारा। बताऊँ कि इस तरह से गोल गोलैती या किसी को डिप्रेशन में आकर किसी को धक्का मारना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संगठन की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी यह गलत है। तो क्या पार्टी में चल रहा है इस समय? चल रहा है तो ही कई गुट चल रहा है। नहीं चल, अगर नहीं चलता तो इस तरह से धक्का मारना कोई औचित्य नहीं था। खबर हरदोई से है जहां सोशल मीडिया पर ब्लड की जरूरत की खबर देखकर एक पुलिसकर्मी एक अनजान बच्चे को जिला अस्पताल ब्लड देने पहुंच गया। ये देखकर बच्चे के परिजन हैरान रह गए। यूपी पुलिस में कुछ ऐसे पुलिसकर्मी भी है जो मानवता के लिए नई नई मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल पेश की गई है। जहानीखेड़ा पुलिस चौकी में तैनात पुलिसकर्मी नितिन तोमर ने एक अनजान बच्चे को ब्लड देकर उसकी जान बचाई है। मुझे सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि एक लड़के को जो है उसका ब्लड कम है तो उसको एक यूनिट की ज़रूरत है। तो जैसे मुझे जानकारी मिली तो मैं एकदम CHC में पता किया, यहाँ पे जिला अस्पताल पता करने के बाद में जैसे मुझे जानकारी हुई तो भैया ने कहा कि हाँ भैया ब्लड डोनेट के लिए अगर आप आए तो आ जाइए। तो मैं बताया कि मैं भैया जानीखेड़ा चौकी का पोस्ट हूँ थाना पिहानी। तो मैं थाना कोतवाल साहब का अवगत करा के उसके बाद में तुरंत यहाँ के लिए अपना आया हूँ और बच्चे के लिए ब्लड डोनेट किया है। खबर चंदौली से है जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने जनपद में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान संघ के आदि संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस के अधिवेशन में 80 फीट के स्तंभ पर लगे उल्टे तिरंगे को चढ़कर अकेले ठीक किया। सूचनाएं मिल रही हैं, तिरंगा सबका है, देश सबका है। अनेक दल इसमें धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से जुड़ रहे हैं। हम सबकी उनसे भी अपील है कि सभी लोग इसमें जुड़ें। संघ के आदि संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जब कांग्रेस में एक क्रांतिकारी नेता के रूप में हुआ करते थे और संघ की उन्होंने शुरुआत बाद में कर दी थी, उस दौरान एक स्मरण आता है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में 80 फुट के स्तंभ पर तिरंगा उल्टा पड़ गया था और किसी की हिम्मत नहीं हुई थी तो संघ के एक स्वयंसेवक ने चढ़ करके वो तिरंगा सीधा किया था। संघ हमेशा राष्ट्रभक्त संगठन है और वो तिरंगे को हमेशा सम्मान देता है। खबर गाजियाबाद से है जहां के टीला मोड़ थाना क्षेत्र की भारत सिटी सोसाइटी में दो बच्चों के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि बच्चे के पिता ने कुछ बाहरी लोगों को बुलवाकर पिटाई करवा दी। बता दें पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इस पूरी घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। 11/8/2022 को एक विवाद हुआ था जिसमें पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, पता ये चला है कि अजीत शर्मा अपने बच्चे को लेकर के झूला झूलाने गए थे। वहां पहले से एक बच्चा झूला झूल रहा था, उसी झूला झूलने को लेकर के ही विवाद हुआ। बच्चे को इन्होंने कुछ अभद्रता की उसके साथ में, तो बच्चे ने अपने परिवार और रिश्तेदार को बुलाया जिससे उनके रिश्तेदार आकर के इनके साथ मारपीट कर दी थी। अजीत शर्मा की तरफ से FIR पंजीकृत कर ली गई है। जो लोग बाहर से आके मारपीट किए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के थाना मोदी नगर इलाके में दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बाइक सवार युवक ने कार
पर ईंटों से हमला कर दिया। वहीं पुलिस को इस मामले में तहरीर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की। खबर फतेहपुर से है, जहां गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की जिलाध्यक्ष ने सरकार को घेर कर आरोप लगाया कि पुल निर्माण न होने की वजह से बड़ी घटना हुई और ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर जल्द ही पुल का निर्माण नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं भी मांग कर रही हूं कि जितने सौ और जितने लोग उसमें नाव में सवार थे उनकी सबकी जानकारी लेते हुए सभी को अर्थव्यवस्था दी जाए, कोई वंचित न रह जाए, क्योंकि उन किसी के परिवार तो इतने ज़्यादा गरीब हो गए हैं कि इनके माँ चली गई, कि इनके पिताजी चले गए, किसी का तो पूरा परिवार नष्ट हो गया है। हम जिनके सौ मिले हैं और जिनके परिवार वाले गए हैं, हम उनके लिए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना नहीं घटनी चाहिए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। खबर गोंडा से है, जहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत चौपाल सागर से अंबेडकर चौराहा तक ट्रैक्टर ट्रॉली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान तिरंगा झंडे के साथ लगभग हजारों की संख्या में ट्रैक्टर्स की रैली निकाली गई और जिलाधिकारी ने रैली का समापन अंबेडकर चौराहे पर किया। हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, ऐसे में गोरखपुर के साथ शाहपुर थाना पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में सभी पुलिसकर्मी अपने अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए पुलिस के जवानों को लोगों को अमृत महोत्सव से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया और सुरक्षा का भरोसा भी जताया। पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं बहराइच में भी तिरंगा यात्रा की धूम है। इसी वहीं कहीं स्कूल बच्चे ने तो कहीं पुलिस अधिकारी सभी तिरंगा लेकर अलग अलग आयोजनों में शामिल होते नजर आ रहे हैं। कहीं स्कूली बच्चे तो कहीं पुलिस प्रशासन तिरंगा यात्रा निकालकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी के चलते केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ प्रयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट बांटकर सम्मानित किया गया। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक तो जनता खूब ढंग से निकली, जो नहीं निकली वो पानी पिलाने का काम किया, जो नहीं निकली वो स्वागत करने का काम किया, सेल्फी बनाने का काम किया, वीडियो डालने का काम किया। तो आज पूरा बहराइच जो है गदगद है इसको लेकर के, हिंदू मुसलमान सब गदगद हैं। और हम समझते हैं कि अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी तक सबसे शानदार तिरंगा यात्रा बहराइच की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरा देश मना रहा है और हर घर तिरंगा फहराने का अभियान आज जोरों पर रहा, जिसके चलते अलीगढ़ में सांसद सतीश गौतम के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर 13 से 15 हर घर तक झंडा तिरंगा पहुँचे, उस आह्वान के लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय सुनील बंसल जी आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा, मोटरसाइकिल से तिरंगा यात्रा को स्वयं नेतृत्व करेंगे। ये यात्रा लगभग 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल से होगी और इसका समापन अलीगढ़ के अंदर किया जाएगा। भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। देश भर में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी पहुंचकर तिरंगा यात्रा निकाली और स्मृति ईरानी ने तिरंगा पद यात्रा के दौरान लोगों से मुलाकात की और अम्बेडकर चौराहे के पास पहुंचकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया।
प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।